छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ जो जीएसटी निकालना चाहता हूं, मैं यहाँ पे इसका 18% नहीं निकालना चाहता, या टोटल यहाँ भी निकालना है मुझे इस डेटा का, इसका टोटल सम करके इसको प्लस इसको, मुझे यहाँ ऐसा नहीं करना है। मुझे क्या करना है, हर डेटा के नीचे एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट करना है और यहाँ पे इसमें लिखना है जीएसटी और फिर इसका 18% कैलकुलेट करना है। फिर एक और रो इंसर्ट करना है और मुझे यहाँ लिखना है टोटल, और फिर मुझे इसको ऊपर वाले को इसमें टोटल करना है। समझे, एक जी सर, कैलकुलेशन हर रो के लिए करना है, तो हर रो पे जाना तो मुश्किल है ना सर, क्या जी सर, बोल रहे हैं? हाँ सर, ये तो मैनुअल काम हो गया। मैनुअल हो गया, लेकिन इसको भी हम कम टाइम में कर सकते। हमें सबसे पहले क्या करना है कि रो इंसर्ट करना है, राइट? लेकिन मुझे दो अलग अलग फॉर्मूले इंसर्ट करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सीरियल नंबर लिखूंगा, सीरियल नंबर लिखा, आया सीरियल नंबर सर? जी सर, मैं इसी सीरियल नंबर को नीचे की तरफ रिपीट करूंगा। अब सॉर्टिंग तो आप यूज करते होंगे ना सर, अब जी सर, देखिए सॉर्टिंग के इस्तेमाल करके हम कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमने क्या किया, डेटा को एक कॉलम ऐड किया शॉर्ट इसके सीरियल नंबर का, और हमने एक से लेके जितना रो था उतना सीरियल नंबर डाल दिया, और फिर उसी सीरियल नंबर को मैं उतना ही बार रिपीट कर दिया। इसमें क्या है कि अब वन जो है दो बार है, एक बार में इधर ब्लैंक रो है और एक बार में डेटा है, लेकिन जब सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग में शॉर्ट करूंगा तो दोनों वन इकट्ठा हो जाएगा, एक डेटा आएगा एक ब्लैंक आएगा। समझे सर, जी सर, ये हमारा आ गया। आ गया सर, अब जी मुझे सीरियल नंबर की जरूरत नहीं है, मैं डिलीट कर दिया। अब मुझे इसमें जीएसटी लिखना है, लेकिन इसमें इसमें जीएसटी लिखना है, तो मैंने क्या किया कि कंट्रोल माने कि इसको पहले डेटा को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है ना? सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहीं पे फाइंड एंड रिप्लेस में गया, और फाइंड एंड रिप्लेस में जाने के बाद हमने क्या किया, ब्लैंक पे क्लिक किया। ब्लैंक पे क्लिक करने से क्या हुआ कि जितने भी कॉलम में ब्लैंक थे वो यहाँ सिलेक्ट हो गया। हो गया सर, जी सर, मैंने क्या किया इसमें लिख दिया GST, क्या कर दिया टाइप कर दिया आपने जीएस। GST, और फिर कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा, एंटर नहीं, कंट्रोल एंटर से क्या होगा, ये जितने भी सिलेक्टेड है सब पे GST टाइप हो गया। ओके हो गया GST टाइप सर, जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, अब मैं क्या करूंगा, अगेन मैं इस कॉलम को सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगा, यहाँ पे गो टू स्टेशन ब्लैंक, अब यहां मैं इसको सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई बाय 18% करूंगा, और नॉर्मल एंटर नहीं मारूंगा, कंट्रोल एंटर मारूंगा, जीएसटी निकल गया। अब मिस इसमें क्या है मुझे कि हर दो रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है टोटल, तो मैं अगेन सीरियल नंबर लिखूंगा और यहां पे वन को दो बार लिखूंगा, ठीक है ना, और इसमें प्लस कर दूंगा वन और नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा, इससे क्या सॉरी मल्टीप्लाई हो प्लस, इससे क्या सॉरी हमें इसमें प्लस वन करना है, प्लस वन हो गया, प्लस वन, तो हर नंबर क्या हो गया, दो बार रिपीट हो गया, हर नंबर कितना बार रिपीट हो गया, दो दो बार। अब मैं इसको कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कर देता हूं, और मैंने देखा कि 64 तक हमारा क्रिएट हुआ है, तो यहां मैं क्या करूंगा, वन टू को 64 बार लिखूंगा, बट वन टाइम, रिपीटेड नहीं, ठीक है, और सेम शॉर्टिंग का मेथड अपनाऊंगा, और इस डेटा को क्या करूंगा मैं, शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट में मैं कहां जाऊंगा, सीरियल नंबर स्मॉल ब्रांच। तो अब यहां देख रहे हैं कि जीएसटी के बाद एक हमारा ब्लैंक रो इंसर्ट हो गया। हो गया सर, जी सेम मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, पूरे कॉलम को,
और इसके ऊपर कंट्रोल जी स्पेशल ब्लैंक और फिर मैं क्या करूंगा इसमें लिखूंगा टोटल राइट सर एंड कंट्रोल एंटर और अगेन इसी प्रोसीजर को फॉलो करूंगा मैं नीचे की तरफ और यहां पे कंट्रोल जी स्पेशल ब्लैंक और इसमें हम ऊपर वाले में प्लस वन करके कंट्रोल एंटर रिजल्ट आपके सामने है सर सर है ना। तो अब एक चीज इसलिए बताया कि सर हमें एक ऑप्शन को जानना बड़ी बात नहीं, हमें ये जानना होता है कि हम उसको यूटिलाइज कहां करें और कैसे करें। एक चीज आपको कुछ वर्किंग प्रोफेशनल ही बता सकता है या कई सालों में सीखते 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 आपके पास आएगा जैसे कि मेरे पास आया है।